और मैं भी पॉसिबल मुझे मालूम नहीं है, मगर यदि आप घर के वडिल के स्थान पे हो तो मैं ये कहूँगा, सैनिक रोता हुआ चलेगा मगर सैनिक के चेहरे पे तो मुस्कान होनी चाहिए। पूरा परिवार यदि डिस्टर्ब हो तो चलेगा मगर परिवार के वडिल को तो हौसला बढ़ाना है और बढ़े हुए हौसले के साथ अपने परिवार को संभाल लेना है। नंबर वन पॉजिटिव वर्ड्स चाहिए, नंबर दो पॉजिटिव बिहेवियर चाहिए और नंबर तीन पॉजिटिव डिसीजन चाहिए। और कोई भी निर्णय लो जल्दी पॉसिबल, इसी स्थिति में जल्दबाजी में निर्णय लेना वो आपके लिए खतरे से कम नहीं होगा। मन होता है चलो निकल जाए बाहर, इतने दिन से लॉकडाउन में बैठे और आप देखते भी हो कई लोग लॉकडाउन तोड़ देते, उनको देख करके आपको शायद लगता होगा कि क्या हम ही ने तो कानून का पालन करने का ठेका लिया है, ये सब बार घूमते उनका कुछ नहीं होता है, चलो हम भी तो निकल जाए। नहीं प्लीज़, ये डिसीजन किसी भी हिसाब से मत लेना। किसी पागल को कुएं में गिरते हुए देख करके हम भी तो नहीं चाहते कि मैं भी तो गिर जाऊँ, हमारा दिमाग ठिकाने चाहिए और ठिकाने के हिसाब से ही एक तय करना पड़ेगा कि डिसीजन पॉजिटिव, नंबर एक वर्ड्स पॉजिटिव, सेकंड बिहेवियर पॉजिटिव, नंबर तीन डिसीजन पॉजिटिव और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरा थिंकिंग पॉजिटिव चले। ऐसे भावन के बीच में एट प्रेजेंट को तो हम फेस कर सकते हैं मगर कल की चिंता बहुत बड़ी रहती है। दो चीज का पक्का नहीं है, ये लॉकडाउन कब उतर जाएगा वो भी पता नहीं है। 3 मई को ये सब कुछ बोलते उतर जाए, एक तो वो अनिश्चित है कि कहाँ तक चलेगा और नंबर दो उतरने के बाद भी बिजनेस का क्या, नौकरी का क्या, स्कूल का क्या, एडमिशन का क्या, मेडिकल का क्या, हर तरह की चिंता। ऐसी स्थिति में नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाए बहुत कुछ संभावना है, मगर मैं फिर से कहना चाहता हूँ जब मेरे हाथ में कुछ नहीं है मगर इतना ही मेरे हाथ में है, वर्ड्स पॉजिटिव, बिहेवियर पॉजिटिव, मेरा डिसीजन पॉजिटिव और मेरा थिंकिंग पॉजिटिव। मैं आपको एक बताना चाहूँगा, एक हथौड़ा ने चाबी को प्रश्न पूछा कि यार तू मुझे इतना बता पाएगा क्या, दरवाजे पे ताला होता है ना और किसी व्यक्ति को घर में जाने का मन होता है, ताला मैं भी तो खोल सकता हूँ और तू भी खोल देती, मगर अब तक मेरे मन में ये प्रश्न था कि लोग तुझे प्रेम से संभालते और मुझे कोने में डाल देते, राज बता पाएंगे कि राज क्या है। और हथौड़ा ने जब ये प्रश्न पूछा, चाबी ने बड़े प्यार से कहा कि हथौड़ा भाई प्रश्न वो नहीं है, पहले तो आप आपकी गलती सुधार दो, आपने ये बोला दरवाजा मैं भी खोलता हूँ और दरवाजा तू भी खोलती है, आपने ये बोला ताला मैं भी खोलता हूँ ताला तू भी खोलती है, आपने गलत बोल दिया, ताला खोलती हूँ मैं, ताला तोड़ते हो आप, तोड़ना और खोलना दो अलग बातें, ताला मैं खोलती हूँ तब दोबारा वो ताला काम लग जाता है, आप तोड़ देते हो ताला का काम खत्म हो जाता है। और थोड़ा के मन में ही कभी आया नहीं था कि इतना डिफरेंस हो सकता है, तब उसने चाबी को पूछा चलो मान लिया मैं तोड़ता हूँ तो खुलती है मगर दरवाजा तो खुल जाता है ना, फिर भी मेरे प्रति लोगों का प्यार नहीं और तेरे प्रति लोगों का प्यार, इनका कारण क्या है। तब चाबी ने बता दिया मैं ताला के हृदय के अंदर चली जाती हूँ और आप ताला के सर को तोड़ देते हो, किसी के सर को फोड़ देना और आप चाहते कि मेरे पर लोग प्यार करे नॉट पॉसिबल एट ऑल, आप यदि चाहते कि लोग मेरे पर भी प्यार करे आपको एक ही काम करना है, किसी के दिमाग को थोड़ो मत, इनके हृदय में चले जाओ। तो मैं आज इतना कहना चाहूँगा लॉकडाउन के इस माहौल में हमें हथौड़ा नहीं बनना है, चाबी बनना है, पूरा परिवार ताला बन के बैठा है, उनको तोड़ने की गलती मत करना, उनको खोल देना, उनके हृदय में चले जाना और हृदय में चले जाने के लिए 4 कंडीशन पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव डिसीजन एंड पॉजिटिव थिंकिंग, 4 चीज आएगी मैं निश्चित तौर से कहूँगा, और कुछ बदलेगा कि नहीं बदलेगा मगर मेरा दिमाग और घर का माहौल, घर की प्रसन्नता निश्चित बढ़ जाएंगी। फिर से मैं कहना चाहता हूँ बास्केट में पानी न भी आए,
मगर बास्केट की गंदगी कम हो जाए, वो भी बास्केट में पानी भरने की बहुत बड़ा आउटपुट है। कोरोना दुनिया से कम चलाएगा वो अलग बात है, मगर आपके घर तक और आपके शरीर तक कोरोना नहीं आया, वो भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये प्लस पॉइंट को मेंटेन करो।